कुछ ऐसे प्रेमी लोग कहते हैं कि जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर यहां तो कोई हारना चाहता ही नहीं है। बताओ भला, कोई हार को स्वीकार करता है? सब जीतना चाहते हैं, सबका नाम का झंडा ऊंचा होना चाहिए। कोई झुकना चाहता नहीं, कोई हारना चाहता नहीं, कोई पीछे रहना चाहता नहीं। सबसे आगे मैं ही रहूं, सबसे आगे नाम मेरा ही रहे, सब में श्रेष्ठ मैं ही रहूं, कहीं मैं चूक न जाऊं, कहीं पीछे न रह जाऊं, कहीं झुक न जाऊं, कहीं छोटा न बन जाऊं। बस जीवन भर यही तो चलता रहता है। किसी से न हारो, हमेशा जीतने का प्रयास है। कहा भी है कि बांध लिया हाथी बंद, शेर भी किया है तूने। हिंदी समझ में आती है माताओं कि नहीं आती? ये विद्वानों ने कहा है कि तू हारना नहीं चाहता, तू बलवान है तो तू जीतना चाहता है। और इसलिए ये मनुष्य क्या करता है कि बांध लिया हाथी बंद, शेर भी किया है तूने, ऊंट के नकेल डाल रीछ को नचाया है, सर्प के भी दांत तोड़ विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पर रौब खूब ही जमाया है। बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ दिए, वीरता में नाम सारे विश्व में कमाया है, और जीता सब देश पर काम क्रोध जीता नहीं। तो वक्त नरदेव तूने व्यर्थ ही गवाया है। सब देश सब दुनिया जीत ली, लेकिन अपना ही मन नहीं जीत पाए, काम और क्रोध को नहीं जीत पाए। वितेन तर्पण्यो मनुष्य, ये धन की लालसा को नहीं जीत पाए, तृष्णा को नहीं जीत पाए। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर। मन को नहीं जीत पाए, खुद को नहीं जीत पाए। दुनिया पर राज्य कर लिया, दुनिया को जीत लिया। हारना तो कोई चाहता ही नहीं है। पर याद रखना, जीवन में जीतता वही है जो हार को स्वीकार कर लेता है, जो हार को मान लेता है, जो हार को भी सहन कर लेता है। जीवन में कितनी हार जीत लगी रहती है, पर आगे वही बढ़ता है जिसके कदम मजबूत होते हैं। घर में परिवार में कितनी चुनौतियां माताओं के सामने होती हैं, कितने मोड़ जीवन में आते हैं, कितनी कठिनाइयां जीवन में आती हैं, कितनी चुनौतियां जीवन में आती हैं, कितनी अग्नि परीक्षाएं जीवन में आती हैं, लेकिन वो सारी परीक्षाओं से पार होकर एक एक कदम आगे बढ़ाती रहती है मां। आपने एक कविता सुनी हो, यदि हिंदी पढ़ी होगी तो, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये युवाओं के लिए है कविता, और ये छोटे बच्चों के लिए। इस कविता को जरूर सुन करके इस पर चिंतन करना, इसको सोचना कि ऐसा क्यों कहा हरिवंश राय बच्चन जी ने, ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि नन्नी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है,
मन का विश्वास अंगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जीवन में हमेशा आपकी विजय होगी ये जरूरी नहीं है, हमेशा आप सफल होंगे ये जरूरी नहीं है। तमाम परीक्षाएं जीवन में आएंगी, लेकिन कभी आप सफल होंगे, कभी असफल होंगे, कभी गिरेंगे, कभी खड़े होंगे, कभी दुख होंगे, कभी सुख होगा। तमाम जीवन की कसौटियां पार करके आपको आगे बढ़ना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, और कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी तो आप वैसे तो हमेशा विश्व विजेता है, पर हार को स्वीकार करना सीखिए। बहुत से छोटे हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, कभी परीक्षाओं में यदि मार्क्स कम हो जाएं, नंबर कम मिले तो परेशान होते हैं, और वही नहीं घर वाले तो और ज्यादा परेशान होते हैं। और कई बार तो घर वाले यहां तक बोलते कि यदि तेरे कम नंबर आए तो मुझे मुंह मत दिखाना, और तमाम बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, उसका कारण वो माता पिता या वो सोच होती है जो अपने बच्चों को कहती है कि हमेशा नंबर अच्छे ही आए चाहे तू कुछ भी कर। काश हम यह सिखाएं और ये सीखें कि जीवन में हार और जीत तो लगी रहती है, पर तुझे कभी अपना स्वाभिमान नहीं खोना है। तेरा चिंतन महान होना चाहिए। अभी कीर्तन किया तो हारने का और जीतने का सवाल आया तो सबने जोर लगा दिया, नहीं नहीं हम पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे हैं, हम आगे हैं। दुनिया इसी दौड़ में है कि मैं आगे हो जाऊं, मैं आगे हो जाऊं, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। पर माताओं आपको पता है बड़ा कौन होता है? बड़ा वही होता है जिसके अंदर बड़प्पन होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ो बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहिमन हीरा कब कहे लाख टका या को मोल। कोई हीरा ऐसे थोड़ी बोलता है कि मेरी कीमत लाखों की है, लोग कहते हैं कि ये लाखों का है हीरा। कर्म ऐसे हो कि लोग कहें कि ये लाखों का व्यक्ति है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसकी कीमत सामान्य नहीं है, ये तो अनमोल है, ये बहुमूल्य है, इसका जीवन हीरे के समान चमकता है।